प्रतिभा रायगढ़ मुंबई सेंट्रल प्रतापगढ़ ठाणे विजय दुर्ग एंड कोलहापुर सिंधुदुर्ग सोया है गुप्पी traditional style to formally inaugurate Supremo Chashak for football 2018. A beautiful start to this evening. All our dignitaries gathered here together, our teams all here, and in this area, hoops to the श्री दीपक सावंत यांच्या हस्ते होत आहे तेव्हा कडक जोरदार डायलॉग्स आहे. कॅन यू हॅव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हियर एट दिस वंडरफुल वेन्यू. रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली स्टँड फॉर द फिफा एंथम. सगळ्यांचं पहिलं स्वागत करतो, सगळ्या टीमचं स्वागत करतो, सगळे मॅच ऑफिशियल्सचं स्वागत करतो. And there's going to be tennis ball cricket too. But as the president of MDFA and as a 27-year-old seeing so many games coming up, all the sports can coexist happily in India. And of course, today is the birthday of the great Sachin Tendulkar. So a round of applause for him. हेही जाहीर करतो की आजपासून सुप्रीमो चषक फुटबॉल आणि 1 तारखेला क्रिकेट हे सुरू झालेलं आहे. I wish all the players best of luck and play with the sportsmanship. Thank you. As a token, I just request to have a kickoff at the hands of our dignitaries. The kickoff, the formal introduction, just to Supremo Chashak 2018. So kudli spardha apan jo penalty shootout, so it's a kick off at the hands of you want a goalkeeper hey sham okay, so kick off is ready bhaiya. Krishna Pavle still na dana bolo Krishna Pavle Sister Krishna Pavle, he was here around. Sister Krishna Pavle of the MDFA. Mr. Krishna Pavle was here. तुम्ही बघू शकता हे आकर्षक असे फुगेड बलून्स as a mark of joy, enjoyment over the next 10 days. It's going to be football and cricket. जोरदार टाळ वाजवा आपण. So here it goes, the kickoff coming from the MDFA president, Mr. Aditya Thackeray, which signals the start of Supremo Chashak for football 2018.
इतना ज़्यादा आगे बिल्कुल जैसे अभी हमने शुरू किया बेबी लीग्स स्कूलों में, वैसे ये तरीके जो लीग्स हैं इनको फेम तो आएगा ही, लेकिन आप भीड़ देख रहे हो, आ रही है, सब देख रहे हैं और यूट्यूब पे देखेगा ये, इट विल बी वेरी पॉपुलर एंड इट विल कोएग्जिस्ट विद अदर स्पोर्ट्स। ओके, और सर क्या ये क्रिकेट के बारे में भी बताया जा रहा है कि इस लीग में क्रिकेट भी जोड़ा जाएगा, तो उसके बारे में क्या? क्रिकेट भी है, फुटबॉल है और शायद और भी गेम्स आ सकते हैं, लेकिन जैसे गेम्स पॉपुलर होते जा रहे हैं, फुटबॉल बढ़ रहा है इंडिया में और आप देख रहे हो इंडियन टीम पॉपुलर हो रही है, जीतते जा रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स देखेंगे। अब देखोगे फाइनल तो है, परसों है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके तो सर सुप्रीमो चषक की आज शुरुआत हो चुकी है फुटबॉल लीग की, क्या कहना चाहेंगे आपको जो है ऑर्गेनाइजर है इसके, क्या ऑर्गेनाइजर तो हम दोनों अनिल परब जी और मैं हूँ। आज आठवां सुप्रीमो चषक शुरू हो रहा है फुटबॉल और 1 तारीख को क्रिकेट शुरू होगी। मुझे लगता है पहले दिन जितनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है ग्राउंड में, फाइनल तक मुझे लगता है पूरा ये ग्राउंड भी कम पड़ेगा और इसका फ़ायदा मुझे लगता है मुंबई ने पूरा महाराष्ट्र के लिए होना चाहिए। जो फुटबॉल के चाहते हैं, जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, वो सब खिलाड़ी के लिए एक सुप्रीमो चषक हमारा फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीमो चषक ये बहुत दिन बर दिन पॉपुलर होते जा रहा है, क्रिकेट और फुटबॉल ये दो गेम उसमें खेले जा रहे हैं और दिन बर दिन ये टूर्नामेंट बहुत ऊँचे मकाम पर जा रही है। आज फुटबॉल की शुरुआत हुई है और मुझे ऐसा लगता है आनंदित्य जी ठाकरे जो मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज ये शुरुआत की है और दिन बर दिन इसका गेम बढ़ते जाएगा और लोगों में, और जैसे क्रिकेट पूरे मुंबई में फैला हुआ है वैसे फुटबॉल भी मुंबई में फैल जाएगा। थैंक यू। उद्घाटन शिवसेना नेते युवासेना प्रमुख आदित्य साहेब ठाकरे यांच्या उपस्थित त्यांच्या हस्ते झालं। खरं म्हणजे ऍडव्होकेट अनिल परब, विभाग प्रमुख आमदार, माननीय संजय पोतनीस यांच्या वतीने या ठिकाणी हे सुप्रीमो चषकाच्या स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत। मी सर्व खेळाडूंना आणि आयोजकांना खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। एनिथिंग एल्स सर? इतने सारे नए टैलेंट को इतना बड़ा आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया है किसन से, फ्लड लाइट्स में खेलने का मौका और बडिंग टैलेंट के लिए इतना मतलब अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसके पीछे का विचार? बलम राष्ट्रस्य संवर्धनम असं म्हटलं जातं। देश जर सशक्त करायचं असेल त्या देशातील तरुण शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असले पाहिजेत आणि शारीरिकदृष्ट्या ते तंदुरुस्त असतील, फिट असतील, तर ते त्यांचं मनही चांगलं काम करतं, मनही चांगलं राहतं। म्हणून म्हटलं जातं शरीरमाध्यम खोलधर्म साधनम, आणि त्यासाठी ठिकठिकाणी स्पोर्ट्सचं आयोजन शिवसेनेच्या माध्यमातून केलं जातं। तरुणांनी आणि इतरांनीसुद्धा खेळ खेळले पाहिजेत, फिजिकली फिट राहायला पाहिजेत आणि तरच या देशाची संपत्ती, सगळी जी तरुण आहेत ती देशाची संपत्ती आहे, ती संपत्ती अजून आपल्याला डेव्हलप करायला पाहिजे, देश सुरक्षित ठेवण्यासाठी ते आवश्यक आहे। बिलकुल सर, सुप्रीमो चषक 2018 में अब फुटबॉल शुरू हुआ है, तो आगे हम क्या कहाँ कहाँ इसे बढ़ता हुआ और जाता हुआ देख सकते हैं? या संदर्भामध्ये आमचे युवासेना प्रमुख आणि शिवसेना नेते आदित्य साहेब ठाकरे, खरं म्हणजे फुटबॉलला आमच्या मुंबई महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सुद्धा आता संधी देत आहेत, कारण गरीबातली गरीब जी मुलं आहेत ते महापालिका शाळांमध्ये शिकत आहेत, त्या गरीब मुलांनासुद्धा फुटबॉल खेळता आलं पाहिजे, त्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून आणि आदित्य साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा आम्ही फुटबॉलचे सामने खेळण्याची त्यांना संधी देतो आहे। इतने बड़े स्केल पर मतलब मुंबई के इतने सारे खिलाड़ी यहाँ फुटबॉल के लिए जमा हुए हैं, तो आपको कोई उद्देश्य, कोई एडवाइस हमारे बडिंग टैलेंट को अगर देना हो, नौजवानों को यहाँ जो इतना उम्दा खेल रहे हैं?
ऑल पहले से ही यहाँ के जो खिलाड़ी है उनमें बहुत टैलेंट दिखता है। मैं खेल देख रहा हूँ, यहाँ से बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है। और खिलाड़ी यहाँ जो सब बाकी जो पब्लिक जो जमा हुआ है वो खेल देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और टैलेंट तो बहुत है खिलाड़ी के पास, और टैलेंट डेवलप करना चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका आपने दिया है ऐसे टैलेंट को और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट मैडम। कुछ और पूछना चाहिए?